सो हे वेरी गुड इवनिंग गाइस एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसी अपनी YouTube फैमिली, होप सो कि सारे लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड आई एम आल्सो टू गुड। तो आज देखो कितना ही प्यारा मौसम है एंड बहुत ज़्यादा प्यारा मौसम था यार। और देखो सबसे पहले जैसे स्टार्ट करते हैं अपने स्टाइल में, तो पहले टाइम देखो आप लोग, तो 5:21 हो रहे शाम के एंड बहुत ही मज़ेदार मौसम है यार। इसको देख के ना मोटिवेशन मिला अंदर से कि चल यार बाहर चलना है, घूमना है। ये देखो भाई पूरा आशिकी हो रहा है, क्या मज़ेदार आशिकी हो रहा है भाई। तो यार इन लोग का अलग ही लाइफ होता है यार, ठीक है। अपन लोग ब्लॉगर्स का लाइफ अलग होता है एंड बाकी ये जितने भी कपल्स लोग हैं उनका लाइफ अलग होता है, एक अलग ही लेवल का मज़ा है उन लोगों के लाइफ में। सो वेल अभी हम लोग चल रहे हैं एक बहुत ही खास चीज़ के लिए एंड वॉट इज़ दैट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वो बस अभी पता चलेगा वीडियो में फटाक से। तो लेट्स गेट ऑन द लोकेशन। तो सबसे पहले अभी हम लोग लोकेशन चलते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रीच द लोकेशन, देन आफ्टर आप लोग को पता चल ही जाएगा। ये देखो भाई साहब आ गया मैं पटना के ट्रैफिक में, सीधा मरीन ड्राइव से सीधा 100 के बाद सीधा आ गया 10 पे तो सीधा 90 का स्पीड ड्रॉप हुआ सीधा, एंड इसलिए हुआ क्योंकि इधर रास्ता ही नहीं है भगाने को, तो इसीलिए मैं इधर आता नहीं हूँ। आप लोग बोलते हो कि इधर क्यों नहीं जाते हो आप, सिर्फ हर बार मरीन ड्राइव पे और अटल पथ पे ही वीडियोज़ देखने को मिलता होगा, तो इस चीज़ से आप लोग भी कभी कभी बोर हो जाते हो। बट मैं बोर नहीं होता, रीज़न बिहाइंड दैट कि उस पर कभी बोरिंग वाला सीन ही नहीं बनता है, कभी उतना ट्रैफिक रहता ही नहीं है कि मैं बोर हूँ। तो अपन को तो कभी बोरिंग फील नहीं होता वहाँ पर, बट लोगों का पता नहीं। सो वेल देखो यहीं अभी हम लोग आने वाले थे एंड ये जो है अब जो है ये खुल चुका। सो देखो बाहर में क्या सीन है अभी भाई, एकदम मस्त वाला। तो पहले हम लोग कहीं बाइक पार्क करते हैं अच्छे से, देन उसके बाद चलेंगे। सो ये देखो भाई साहब सामने लोकेशन देखो, कितना प्यारा लोकेशन है भाई साहब, बहुत मज़ा आने वाला है यार। पटना में ऐसा कुछ खुला देख के बहुत अच्छा लग रहा है। तो पहले बाइक पार्किंग में लगा लेते हैं एंड उसके बाद जाके देन। ये देखो अभी मैं फाइनली आ चुका मॉल के अंदर एंड हेयर आई हूँ एंड देखो एक बार मॉल देखो एक बार आप लोग। सो अभी तो पहले इसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा यार, पहली बार आया हूँ यहाँ पे एंड अभी मैं सेकंड फ्लोर पे हूँ एंड यहाँ से देखो कुछ इस तरह का पूरा नज़ारा दिखता है पूरा लोकेशन। एंड मतलब यार देखो देखने में बहुत ज़्यादा बल्कि और ह्यूज है, बट फ्लोर्स की बात करें तो 4 फ्लोर तक ही हैं एज आई थिंक सो। बाकी इधर देखो कितने सारे शॉप्स हैं एंड आज ही इनॉग्रेशन हुआ इसका, बट आज के दिन ही बहुत ज़्यादा भीड़ है। इस चीज़ से पता चलता है कि यार पटना में अपना मॉल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड देखो अभी मैं बस ऊपर चल रहा हूँ एंड ऊपर चल के आप लोगों को ऊपर से एक बार सारा व्यू दिखाता हूँ। एंड इधर देखो इधर भी नीचे जाने का पूरा रास्ता है एंड बहुत ही ज़्यादा ब्रॉडर एरिया में बना हुआ है, जिसकी वजह से ना बहुत ही बड़ा है, ह्यूज है एंड इसकी वजह से समझने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, बट घूमते घूमते ना सब कुछ धीरे धीरे क्लियर हो जाना है। बट अभी पहली बार है इसके वजह से अपने को भी ज़्यादा आइडिया नहीं है कि पहले किधर चले किधर नहीं, तो पहले चलते हैं देन उसके बाद चेकआउट करते हैं किधर सबसे अच्छा लोकेशन है एंड किधर कौन सा चीज़ रहने वाला है। सो ये देखो ये फूड कोर्ट एरिया हो गया जस्ट लाइक पीएनएम, तो अपने यहाँ पीएनएम में जैसे फूड कोर्ट एरिया उस टाइप से है एज आई थिंक सो। एंड ये देखो सो दिस इज़ द फूड कोर्ट एरिया, ये अपना फूड कोर्ट एरिया रहने वाला है एज आई थिंक सो। एंड बिल्कुल ये फूड कोर्ट एरिया ही है, KFC वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। देन उसके बाद उधर पे अपना अलग अलग ब्रांड है शॉपिंग वगैरह का, तो अपने को तो यार देखो अभी मैं अकेले आया हुआ तो अपने को कभी कुछ खाना वाना है बस अभी आया था एक्सप्लोर करने के लिए, तो अभी उस साइड चलते हैं देन आप लोग को मैं दिखाता हूँ चल के। सो हेयर इट इज़ द गेम जोन, यहाँ पे गेम जोन है एंड इधर पे बुक वगैरह सब कुछ रखा हुआ है। लिटरली यार मतलब ये बिहार का पहला सबसे बड़ा मॉल रहने वाला पटना का अपना, दिस इज़ द गेम जोन। देखो यहाँ पे गेम जोन है एंड बहुत ही बड़ा गेम जोन भी है यार, गेम जोन भी छोटा नहीं है, इसको छोटा नहीं बोल सकते हैं, बहुत ही बड़ा गेम जोन है। बाकी यहाँ देखो कितने सारे गेम खेलने के चीज़ें हैं यहाँ पे एंड दिस इज़ द प्ले स्टेशन। यहाँ देखो ये क्या है भाई साहब, ये देखो ये एक अलग ही चीज़ है, मतलब पूरा दिल्ली वाला माहौल यहाँ पटना में आ चुका अब। एंड देखो सब जगह तो ब्लॉगिंग्स वगैरह हो रहा है, इधर पूरा गेम वेम खेलने का पूरा सेटअप लगा हुआ है, बच्चे लोग गेम वगैरह खेल रहे हैं। ये देखो भाई पटना में देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, अभी ना पूरा मॉल घूमना बाकी ही है,
अभी तो बस हमने स्टार्ट ही किया है, अभी चलते हैं इस साइड एंड पूरा टूर देने वाला हूँ आपको आज मैं, एंड जितना इन्फॉर्मेशन हो सके उतना मैं दे सकता हूँ आप लोग को उतना मैं आप लोग को दूंगा ही। सो ये देखो भाई, यहाँ का आर्ट ही अलग है, यहाँ पे कैटरीना कैफ है एंड ऋतिक रोशन का। तो देखो दिस इज़ एन यूनिक थिंग इन पटना, पटना में पहली बार ऐसा कुछ हुआ है, नहीं तो ये अपना बाहर ही रहता था पटना में, अभी पहली बार ये चीज़ आया है, नहीं तो पहले पटना में ऐसा कुछ था नहीं। तो लाइक आज किसी भी साइड आप चले जाओ इस मॉल में पूरा भीड़ ही भीड़ है सारा तरफ, मतलब सारे लोग आए हुए हैं ओपनिंग के टाइम पे, एंड कहीं भी ऐसा एक भी स्पेस नहीं है जहाँ पे एम्प्टी दिखे, मतलब पूरा लबालब भरा हुआ है यार। ये देख के एक खुशी सा हो रहा है कि चलो अपने पटना में भी मतलब अब डेवलपमेंट तेज़ी से आ रहा है, डेवलप तो है ही, बट वी टॉक अबाउट कि अदर स्टेट्स में ऐसा नहीं था तो बिहार थोड़ा पीछे हो जाता था इन सब चीज़ों से, टेक्नोलॉजी से एंड इन सब चीज़ों से, लाइक बड़े बड़े मॉल्स वगैरह से, तो ये सब कुछ भी। एंड दिस इज़ द टाइम जोन, ये टाइम जोन है जो अपने पटना में भी आ चुका है, तो आप लोग लुफ्त उठाना चाहते हो तो आ सकते हो। ये देखो पूरा, ये देखो यहाँ पे एम्बेसडर खड़ा है जिसके सामने जाके सब लोग फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं, एंड यहाँ पे ना फ़ोटो पॉइंट बहुत ज़्यादा है इस मॉल में, इस चीज़ को मैंने देखा है। तो आजकल जो है सबकी आदत हो चुकी है ना फ़ोटो वगैरह लेने की, इसके वजह से इस मॉल ने भी ध्यान दिया एंड कि ज़्यादातर फ़ोटो लोकेशन इसमें रहे जहाँ सब जाके फ़ोटोग्राफी करा सके, सेल्फी वगैरह ले सके, तो इसमें सेल्फी पॉइंट बहुत ज़्यादा है। बाकी इधर देखो भी, इधर मैक्स का तो रास्ता मिलेगा इधर से, इसके अंदर ही देखो मैक्स है, यहाँ पे आपको लोगो दिख रहा होगा। तो भाई मैं तो अभी बाहर आ चुका क्योंकि अपने को आज कोई शॉपिंग वगैरह करने का कोई सीन नहीं था अपने साथ, एंड मैं अकेले ही आया था तो ज़्यादा तो टाइम यहाँ पे देंगे नहीं हम लोग, एंड अभी बस बाहर आया हूँ मॉल के, एंड बाहर भी दिखा देता हूँ एक बार आप लोग को, एंड बहुत सारे ब्रांचेस मुझे लगता है अभी बहुत सारे ब्लॉक्स इसके और हैं जो खुलने वाले हैं डे बाई डे। तो अभी तो बस देखो यहाँ से आप लोग को एक बार लोकेशन दिखाता हूँ मैं बाहर आके, ये देखो उत्सव प्लाजा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी ओपन नहीं हुई है शायद से, एंड इस चीज़ का गारंटी नहीं ले सकता मैं क्योंकि अपने को अभी खुद पता नहीं है भाई। सो यहाँ से आप लोग देखो कैसा लग रहा है देखने में, यहाँ से लोकेशन बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ये देखो यहाँ पे पूरा ब्रांडिंग दिखेगा आपको अंबुजा नियोतिया का, एंड ऊपर बरिस्ता का छोटा सा आपको बोर्ड दिख रहा होगा, एंड ये देखो भाई ये देखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो अभी इसी में हम लोग थे, फोर्थ फ्लोर पे या सिक्स फ्लोर पे या शायद उसमें थे, इस चीज़ का गारंटी मैं नहीं ले सकता हूँ क्योंकि मैंने पता है ना कि ये सबके लिए पहली बार है, मैं भी पहला बार आया हूँ, आज ही ओपन ही हुई है मॉल, तो ये पता नहीं चल रहा है कि अपन अंदर ही अंदर किधर से किधर निकल रहे हैं क्योंकि इसका एरिया भी बहुत ज़्यादा ह्यूज है। और इस साइड देखो अभी इसमें हम लोग थे, ये तो मेरे को पता चल रहा है घूम के, एंड बस अभी फोर फ्लोर तक ही हम लोग घूम रहे हैं, बाकी इसमें पता नहीं ये कितने फ्लोर तक है, सेवन या एट फ्लोर तक है। बाकी देखो यहाँ से बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। तो अभी देखो एक ब्लॉक से भटकते भटकते मैं आ चुका दूसरे ब्लॉक की तरफ, एंड यार देखो पता ही नहीं चल रहा है कि किधर जा रहा हूँ और किधर जा रहा हूँ, किधर नहीं जा रहे हैं इस चीज़ का भी पता चल नहीं रहा है। बट एक बार लोकेशन दिखाना चाहूँगा, लोकेशन देखो आप लोग, देन अभी मैं ये आ चुका दूसरे वाले ब्लॉक में, इस चीज़ के लिए अभी मैं कन्फर्म हो चुका हूँ देखने के बाद अंदर का एरिया, और ये ब्लॉक बाई ब्लॉक है। तो अभी हम लोग उस वाले ब्लॉक में थे, देन उसके बाद बाहर निकल के एग्जिट करने के बाद दोबारा से इस वाले ब्लॉक में आए हैं, एंड यहाँ देखो बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई। हेयर इट इज़ एन अनदर सेल्फी पॉइंट, तो एक और सेल्फी पॉइंट देखो यहाँ पे यार, मतलब देखो मॉल में ना ये पूरा बिजनेस माइंड लगाया गया है ना कि लोगों के माइंड को पढ़ा गया, रिलेट किया गया है कि लोगों को क्या पसंद है, एंड लोगों के पसंद के हिसाब से ही पूरा इसका आर्किटेक्चर बना है, एंड उसके बाद अंदर का डिज़ाइनिंग वगैरह बना है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे ना बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर फोटोशूट वगैरह करा सकते हो, सेल्फी पॉइंट है, एंड बाकी यार ब्रांड्स का तो कुछ कहना ही नहीं है अब, मतलब ये आपके साथ ये प्रॉब्लम नहीं होने वाला है पटना में रह के कि अगर आपको किसी भी ब्रांड का कोई चीज़ चाहिए तो आपको अपने स्टेट के बाहर जाना पड़े, ये चीज़ दूर होने वाला है। ये देखो भाई ये एक और चीज़ है, ये देखो ये और भी अच्छा आर्ट है यार, एक नंबर लग रहा है देखने में, तो बच्चे लोग देख के इसको और भी ज़्यादा खुश होने वाले हैं, एंड पता नहीं ये वैक्स से बना है या फिर किस चीज़ से बना है। ये देखो भाई साहब अभी मैं आ गया मॉल के पार्किंग में, एंड दिस इज़ द B1, इसके बाद नीचे है B2, तो तीन फ्लोर का इनका पार्किंग है, पहला G देन B1 देन B2। तो ये अभी मैं हूँ B1 में, अपने को नीचे जाना है B2 में, तो अभी हम लोग
वे ढूंढ रहे कि कहाँ से नीचे B2 में जाना है, एंड उसके बाद अपना बाइक लेके उठा के चलेंगे। सो ये देखो भाई, अब जो है मैं आ चुका पार्किंग में। एक तो पहले बाइक ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि यार जल्दी बाइक मिल ही नहीं रही थी अपनी। एंड यार 3 फ्लोर का पार्किंग है, और पहली बार आया तो कोई आइडिया था नहीं कि अपनी बाइक जो है वो मैंने कहाँ लगाया है, एंड कहाँ पे बाइक है कहाँ पे नहीं। ये देखो क्या जीप है भाई, मॉडिफाइड जीप दिल्ली वाला, पूरा मस्त लग रहा है देख के। सो अभी बस देखते कि पार्किंग से कैसे निकलना है। सो नाउ इट्स टाइम टू गेट आउट फ्रॉम दिस मॉल, एंड द टाइम इज़ टू से गुड बाय टू दिस मॉल। तो फिर मिलेंगे बाद में, पहले हम लोग निकलते हैं अभी यहाँ से। सो चलो गाइज, अपन लोग लौट रहे घर के तरफ, एंड आई होप सो कि आप लोग को आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो। एंड बाकी तो मॉल बहुत ही मज़ेदार है, जाओ मज़े लो आप लोग, पैसे वैसे उड़ाओ, पैसा उड़ा डालो, शॉपिंग करो, पूरा मस्ती लो। एंड मतलब पूरा दिल्ली वाला कहो या दुबई वाला कहो, एकदम पूरा दुबई वाला कॉन्सेप्ट आ चुका अपने यहाँ पे। एंड मॉल तो भाई बाई गॉड बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो अपने पास भी जब कोई काम करने को नहीं रहेगा तो अपन भी जाके वहीं टाइम पास करेंगे। तो चलो गाइस, अब मैं लौट रहा हूँ घर के तरफ, एंड यही होप करूँगा कि आज का ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर आज का ये वीडियो आप लोग को पसंद आया तो वीडियो को कर देना लाइक, एंड अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि यार देखो आपका भाई मेहनत कर रहा है तो आप लोग का भी तो इतना फ़र्ज बनता है कि थोड़ा सपोर्ट कर दो, बस थोड़ा सा यार सब्सक्राइब तो करना, और क्या करना है। तो चलो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो करते हैं आज की इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, मिलते एक नई ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।